कार्तिक मास व्रत कथा महात्मय आठवां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाइए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीप की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित चार दरवाजे बनवाइए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप चार रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनवाइए और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। फिर भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्निक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्राप्ति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे सात जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे, उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है।